हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब हम आपको 1257 लोगों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 250 परिवारों में बटे और एक अनोखी पहल में सहयोग दे रहा है। देखिए, ये कहानी एक गांव से जुड़ी हुई है। ये कहानी लखनऊ से करीब 45 किलोमीटर दूर लालपुर गांव की है। एक छोटी सी पहल गांव कैसे लॉकडाउन में देश के लिए मिसाल पेश कर सकता है, ये गांव उसकी गवाही देता है। इस देश की आत्मा गांव में बसती है। आज भी हमारी 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में ही बसती है। यही लोग देखिए बड़े बड़े शहरों के लोगों को संदेश दे रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लालपुर ने ऐसा क्या खास कर दिया, रणवीर बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। अगर सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो जाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पंचायत बाध्य होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग अनावश्यक रूप से रास्ते में ना घूमे, राशन लेने जा रहे हैं तो वहां पर सामाजिक दूरी बना के रखें। ये तस्वीरें किसी शहर की नहीं बल्कि लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के एक छोटे से गांव लालपुर की हैं। अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कई बार अनुरोध किया गया है और राशन दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है, क्योंकि इनसे कई बार कहा गया कि आप राशन वितरण कर रहे हैं, सामाजिक दूरी बना के करें, परंतु इनके द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए राशन दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ स्पीकर पर लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील हो रही है। गांव भर में खंबे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इन कैमरों की निगरानी के लिए पंचायत भवन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये कंट्रोल रूम लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। लालपुर गांव में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम में एक ऑपरेटर बैठा है जो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करता है, और मॉनिटरिंग करते ही जैसे ही कोई शख्स दिखाई देता है जो सड़क पर घूम रहा है उसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है। आप देखिए कि एक माइक लगा हुआ है और इस माइक पर बैठा हुआ जो ऑपरेटर है वो घोषणाएं करता है। इस मॉनिटरिंग सेंटर में आप देखिए 5 कैमरे यहाँ चल रहे हैं और टोटल गांव में 10 कैमरे लगाए गए हैं। तो 5 कैमरों की निगरानी यहाँ से है और 5 कैमरों की निगरानी दूसरी जगह से होती है, और इस तरीके से अनाउंसमेंट करके लोगों को घरों के अंदर जाने को कहा जाता है। घर के बाहर बेवजह घूमने वाले लोगों पर ग्राम प्रधान सीसीटीवी से खुद नजर रखते हैं और स्पीकर पर बाहर घूमने वाले लोगों से घर में रहने की अपील करते हैं। एक सबसे ज्यादा फायदा मिला कि जो बाहरी लोग आते हैं, तो मान लिया उनके घर वाले हैं, परिवार के लोग छुपाते थे, लेकिन इसमें वो लोग आ जाते थे। तो मेरे कमेटी के सदस्य जब हम लोग सुबह आते थे तो दूसरे दिन का जब जैसे रात में आए या सुबह आए तो देखा तो फिर पता करते हैं, तो कमेटी वालों को उनके घर भेजते थे, उनसे निवेदन कि अगर भैया कोई दिक्कत है, लक्षण है आपके अंदर, तो आप आइसोलेशन में आ जाइए या क्वारंटाइन हो जाइए, नहीं तो हम लोग ऊपर अपना ब्लॉक को या थाने को सूचित करते थे पूरी जानकारी। ग्राम प्रधान की इस पहल का गांव में कितना असर हुआ, इसकी पड़ताल के लिए हमने गांव के लोगों से बातचीत की। जी बताइए, आपके गांव में कैमरा वगैरह लग गया है जी, तो आप लोग अब निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? नहीं नहीं निकल रहे हैं, अलाउंस हुआ था, नहीं निकल रहे हैं। पहले निकल जा रहे थे? हाँ, पहले निकलते थे, अब नहीं निकलते हैं। समझ में नहीं आता था क्या कि इतना डर है क्या? हाँ, कैमरे डर लगा था ना, यानी उनके सामने रहा तो चालान हो जाए, हर चीज हो जाए, प्रदान करिए, तो इधर नहीं निकली थे। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए ग्राम प्रधान ने जिस तरह सीसीटीवी की मदद ली, उससे एक पंथ दो काज होंगे। इससे लॉकडाउन के दौरान लोगों की निगरानी तो होगी ही, साथ में भविष्य में गांव की सुरक्षा के लिए भी सीसीटीवी की सुविधा मिल जाएगी।